हेलो गाइस, हम आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग बताने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ब्लाउज में नाप कैसे लिया जाता है। हमें सबसे पहले ब्लाउज में लंबाई लेना है। अब लंबाई इसकी 14 इंच है और इसका सीना जो है 20 इंच यानी 40 इंच है और इसमें आगे का गला जो है 6 इंच है। पीछे का गला देखिए आप लोग, गाइस देखिए ये कितना है, ये 10 इंच है। तो हमें इस तरह इसका नाप लेना चाहिए। और ये जो कमर है 16 इंच यानी 32 इंच कमर है। इसको हम इधर रख दे रहे हैं, इस पे कपड़े पे निशान लगाने चल रहे हैं। ये देखिए कपड़ा, चार परत है कपड़ा, चार बार हमको ये कपड़ा फोल्ड करना है, फिर बराबर इसको ऐसे रखना है। फिर वो ब्लाउज तैयार कितना है, 14 इंच। तो हमको इसको लेना है 16 इंच। कितना लेना है, 16 इंच लेना है इसको। फिर ये जो गला है, हमको गला बंद के तरफ लगेगा ब्लाउज में। फिर गले गला जो है इसकी चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच और गले की लंबाई रहेगी 6 इंच। आगे का गला कितना रहेगा, आगे का गला रहेगा 6 इंच। फिर उसके बाद 1 इंच का निशान लगा के हमें इससे गोलाई लेना है। फिर ये कंघा उसमें 2.5 है, हमको लेना है 3.5 इंच। फिर ये यहाँ पे हमें आस्तीन की जो गोलाई होती है, हमें ये 6 इंच लेना है। फिर यहाँ पे 1 इंच लेके हमको गोलाई लेना है, आस्तीन की गोलाई। फिर यहाँ पे सीना उसका 40 है, 40 है तो 4 पर 3 ये 10 इंच तैयार है। और हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है कटिंग के लिए। कमर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे ये हमको 8 करना है। फिर ये 2 इंच कटिंग के लिए लेना है। फिर यहाँ से निशान एक इधर रहेगा, फिर कटिंग वाला निशान यहाँ पे रहेगा। फिर प्लेट का निशान देखिए ब्लाउज में, पहला निशान रहेगा 9 इंच पे, 9 इंच वाला रहेगा यहाँ से 2.5 इंच। ये ब्लाउज का प्लेट का निशान है, ये रहेगा यहाँ पे 2.5 इंच। फिर ये यहाँ से ये हमको 4 इंच लेना है, नीचे वाला प्लेट का निशान 4 इंच लेना है। फिर इसके बाद इसकी लंबाई हमको लेना है 5 इंच। कितना लेना है इसकी लंबाई, 5 इंच लेना है। फिर यहाँ से ये 6 इंच रहेगा, ये यहाँ बगल साइड में निशान 6 इंच रहेगा। फिर ये यहाँ से हमको लेना है 5 इंच, ये यहाँ से पूरा हमको लेना है 5 इंच। फिर यहाँ पे ये रहेगा 3 इंच, ये निशान 3 इंच रहेगा। ये हो गया ब्लाउज के प्लेट का निशान। अब देखिए हमको इसी में आस्तीन का भी निशान लगाना है, बाजू का, ब्लाउज के बाजू का, जिसको हम नाप जो है इसमें से ब्लाउज की आस्तीन की लंबाई नापते हैं कितनी है ये। अब ये है ब्लाउज की आस्तीन, इसमें 4.5 इंच, तो हमको ये लेना है 5.5 इंच लंबाई लेना है। अब ये हमें सीने के चौथाई भाग आस्तीन भी लेना है 10 इंच, ये 10 इंच लेना है। इधर से हमको 3 इंच माइनस कर देना है। फिर इसकी हमको मोहड़ी नापना है, ये देखिए मोहड़ी है 6.5 इंच, हमको लेना है ये 7.5 इंच, 7.5 इंच लेना है। फिर यहाँ से इसको तिरछा निशान, फिर यहाँ से ये गोलाई इधर को ले लेंगे। ये हो गई हमारी आस्तीन और ब्लाउज की कटिंग, साथ में निशान लग गया है। देखिए गाइस, निशान लग चुका है, हमको इसकी कटिंग करना है। हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। इसके बाद देखिए गाइस, ब्लाउज की कटिंग हो गई है।
अब हमको इसे कंधा अलग कर देना है कटिंग करके, आगे का पीछे का पार्ट दोनों अलग अलग कर देना है। अब हमको ये वाला आगे वाला पार्ट ऐसे ऊपर से अलग कर देना है। फिर ये निशान थोड़ा हम डार्क कर ले रहे हैं, ऐसे ऐसे डार्क करके इसको ऐसे इधर से ऐसे थपकी लगा देंगे, बस निशान बन जाएगा ये, जिससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये देखिए अब ये निशान इस पे भी आ गया है, इस पर से हल्का हल्का डार्क कर ले। ये दोनों का निशान, दोनों पल्ले का निशान आगे वाले का हो गया, इसको हमें अलग रखना है। अब देखिए इसमें पीछे वाले जो पीछे का भाग है, इसका गला है 10 इंच, तो हमको ये गला लेना है 10 इंच। दस इंच गोलाई लगा के हम गले की कटिंग कर लें। ये पीछे का भाग है, ये हो गया पीछे का पल्ला। फिर उसके बाद यहाँ से इसको हमें लेना है 7 इंच। कितना लेना है, ये पीछे की प्लेट का निशान है ये। फिर ये हमको लेना है यहाँ से 6 इंच। कितना लेना है, ये 6 इंच लेना है। फिर यहाँ दूसरा प्लेट घर है, यहाँ पे हमें 7 इंच लेना है। 7 इंच वाला ये हमको 6 इंच लेना है। ये हो गया पीछे के प्लेट का निशान। ठीक गाइस, अब इसको हम दोनों अलग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे चलिए देखिए बाजू की कटिंग करना है। बाजू निशान लगा हुआ है, बाजू की कटिंग हमको करनी है। थोड़ा एक्स्ट्रा कर ले, उसको ऐसे खोल के बाजू को, फिर थोड़ा गहराई का निशान लगा के ऐसे हल्की से गहराई ले ले आगे वाली साइड की गहराई, वो भी बाजू की गहराई। अब देखिए हमको निकालना है बटन पट्टी और काज पट्टी, इसको ऐसे बराबर कर दें। अब हमें बटन ये 3 इंच लेना है। देखिए 3 निशान लगा लीजिए, इधर इधर 3 निशान लगा लीजिए, और ये कपड़ा दो दो भाग में है। देखिए अभी एक हो गई बटन पट्टी और एक हो गई काज पट्टी ब्लाउज में। इसके बाद अब यहाँ पे हमको लेना है गले की पट्टी का निशान लगाना है। गले की पट्टी तिरछी कटेगी, अब ऐसे 2 इंच नाप लो, 2-2 इंच नाप के इसका तिरछा निशान लगेगा। हल्का से बराबर कर लें, इसके बाद गले पट्टी से कटिंग कर लें। ये है पाइपिंग पट्टी ब्लाउज में लगाने के लिए। अब देखिए 4 पट्टी इसमें है और 4 इसमें है, इतने में गले पट्टी हो जाएगा। ये ब्लाउज की पाइपिंग पट्टी है। इसके बाद अभी है बटन पट्टी, काज पट्टी, और ये हो गया ब्लाउज की कटिंग, और इसमें निकलेगी हमारी डोरी, ब्लाउज में बनाने वाली डोरी जो पीछे लगाई जाती है। देखिए ये है ब्लाउज की डोरी, इसको बना के पलट लेंगे। अब इसकी सिलाई अभी दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, आप वीडियो बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हो जैसा हो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं। गाइस कमेंट बॉक्स में लाइक करें।